सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। तो यार, आज की जो क्लास है वो आपके, जैसा कि मैंने 11th की कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि ये थियोरिकल जो है हमारी वीडियो है और ये कुछ लंबी चलने वाली है। इससे पहले मैंने जो है वीडियो बना रखा है और फर्स्ट टू 16th तक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, और उससे आगे की वीडियो जो है मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियोज़ में पूरे ख़त्म कर दूँ, ताकि बच्चों को फिर बार बार वीडियो आने की वेट ना करना पड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आज मैं वीडियो लेके आया हूँ अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा देर करते हुए। तो जैसा कि आपको पता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो यार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और इसमें अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करना हो। एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग होती क्या है, ये ऑलरेडी मैंने जो है डिस्कस कर रखा है मेरी प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पर एक बार जाके देख लेना, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर मैं स्कोप की बात करूँ बुक कीपिंग में, तो बुक कीपिंग इज़ अ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म, रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट देम। यानी अगर मैं बात करूँ बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, यानी वही चीज़ों को जो है ये रिकॉर्ड करेगा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी, यानी हम कह सकते हैं सेल परचेज के रिगार्डिंग, यानी जो बिजनेस के पर्पज़ से जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसी के रिगार्डिंग उसे आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना, और उसे ये देखना कि वो मनी के टर्म में है या नहीं है, देन उसको रिकॉर्ड करना। अगर वो मनी के टर्म में नहीं है तो उसे वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग कहता है अकाउंटिंग इज़ कंसर्न समराइजिंग द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रेटिंग कम्युनिकेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ये कह सकता है अकाउंटिंग इज़ अ कंसर्न समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, यानी जो आपने जो बुक कीपिंग, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो वही कह रहा है कि जब आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, दूसरा काम इसका होता है अकाउंटिंग इज़ अ कंसर्न समराइजिंग द रिकॉर्ड, कि उसको एक तरीके से दोबारा से चेक कर लेना, तो जैसे ही आप इसे चेक करेंगे ट्रांजेक्शन को, देन उसके बाद आप क्लासीफ अकाउंटिंग की मीनिंग हमने अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ क्लासीफाई रिकॉर्डिंग, ये वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अगर कहूँ सिंपल से मीनिंग आपसे बोलूँ ना, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले मैं मीनिंग लिख लिया करो दोनों की, बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की, एक मार्क्स आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसमें कहता है स्टेज की बात कर ले, तो इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, बिल्कुल कि कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है, यानी जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आप उसकी समराइजिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज होता है, और आपका जो अकाउंटिंग होता है इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, इट इज़ वेयर बुक कीपिंग एंड, यानी जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें। तीसरा पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर ले, तो ऑब्जेक्ट का मतलब कहता है कि द ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग इज़ टू बी मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये वर्ड थोड़े ऊपर नीचे होंगे, उसके लिए माफी, आपको यहाँ से लिखना है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। और अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एसर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजिशन एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, यानी फाइनेंशियल का जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर मैं अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल पोजिशन बताना, कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी कितने उसमें एसेट्स पड़े हैं, कितनी लाइबिलिटीज पड़े, इन सारे फाइनेंशियल पोजिशन को आपको है बताना, काम जो है अकाउंटिंग का होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है, आई होप आपको कुछ समझ में आए होंगे, और अगर आप चार पॉइंट भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट है।
पहले में आप मीनिंग लिख सकते हैं, दूसरे में फिर आप स्टेज लिख सकते हैं, तीसरे में ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप T.S. ग्रेवाल से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है बहुत सी बातें हैं, मैं आपको वहाँ पे बता सकता हूँ कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग के लिए हमें जो है एक तरीके से मान लो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग, लेकिन बुक कीपिंग में आपको नॉलेज आप जो है हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पर एक और फोर्थ पॉइंट मिल जाएगा जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, उसमें एक तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है ना, एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है अकाउंटिंग करने के लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं, यानी बुक कीपिंग में ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने जो अब ये अच्छा इसका फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट भी है, मुझे लगा कि यार फोर्थ तक ही है, ठीक है ठीक है ओके। फोर्थ पॉइंट ऑफ नेचर ऑफ जॉब की बात करें, ये रूटीन नेचर का यानी डायनेमिक नेचर का नहीं है, अगर हम कहें डेली बेसिस नेचर का है। बुक कीपिंग आपको डेली करना पड़ेगा कि अगर आज कितनी रिकॉर्डिंग हुई, कल कितनी रिकॉर्डिंग, यानी इसको हम मंथली नहीं कर सकते कि एक महीने बाद मैं करूँगा। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ, ये एनालिटिकल है एंड नेचर है, नहीं कह सकते हैं, यानी इसे आप जो है जब आप इसको एनालाइज़ करना हो, यानी महीने में, साल में, या छः महीने में, क्वार्टरली, तो आप इसको एनालाइज़ कर सकते हो। ये डेली रूटीन का काम नहीं होता, लेकिन हाँ बुक कीपिंग को आप डेली कर सकते हैं, आपके अकाउंटिंग में कितना सामान आया, कितना गया, जो है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का काम डेली नेचर का ही होता है। परफॉर्मेंस, इसे जूनियर स्टाफ जो है मिलकर बनाती है, यानी जूनियर स्टाफ जो है रिकॉर्डिंग करती है बुक कीपिंग की, और उसके जो है अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ जो है इन काम को करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं बात कर रहा स्पेशल स्किल, यानी बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अकाउंटिंग के लिए स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हाट आर दी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट, यानी ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। भाई ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होता है, हम अकाउंटिंग करते क्या हैं, क्यों हैं, ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको बतानी है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, अगर आप इसे ऐसे ही पढ़ने जाएंगे बुक में ना, तो यकीन मानो आप बोर हो जाएंगे, और आपको कुछ समझ में आएगा दो तीन, फिर आप बुक बंद कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर समझ में आता है देन आप बुक को पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा इसमें, ठीक है, आपको किसी चीज़ की तकलीफ इसमें नहीं होने वाली है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि मैं ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, मतलब अगर अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर सारे मेंशन है, वन बाय वन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी आपको जो है पहला काम ही होता है अकाउंटिंग का, कि उसमें लिखा हुआ कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट द ऑर्गेनाइजेशन द बुक ऑफ अकाउंटिंग फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टमेटिक मैनर। यानी पहला काम आपका यही है कि आपको जो है पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक टाइप में, यानी उनके जो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं आपको आगे चैप्टर में मिलेंगे, उसी के रिगार्डिंग आपको जो है रूल फॉलो करके आपको सिस्टमेटिक तौर पे रिकॉर्ड करना है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो बुक की लैंग्वेज सिंपल सी बात करूँ, जैसे अगर आपको रिकॉर्ड करना है, आपको परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट में शो करना है, सेल हुआ है तो सेल अकाउंट में शो करना है, तो इस तरीके से आप जो है शो करेंगे। दूसरा काम क्या होता है अकाउंटिंग का, कि डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। यस, दूसरा जो मेन काम होता है वो होता है ये पता लगाना कि आपकी कंपनी का पोजीशन क्या है, मतलब एक तरह से ये देख सकते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये चीज़ का पता लगाना जो है अकाउंटिंग का काम है। डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी एसेट्स पड़ी है, कितनी लाइबिलिटीज पड़ी है, यानी आप कितने डूब रहे हो, आपने लोन वगैरह तो ज़्यादा नहीं रखा है, आपके पास एसेट्स कम तो नहीं है कि ताकि आप जो है आउटसाइडर की पेमेंट कर पाओगे भी कि नहीं कर पाओगे, या आपको लोन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही होती है। तो इसमें लिखा भी है कि अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन अ फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज़ नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। यानी अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है किसी कंपनी की, तो वो बैलेंस शीट ही बताती है कि, क्योंकि बैलेंस शीट में दो ही होता है, एक तरफ एसेट होती है और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लाइबिलिटी होगी, राइट हैंड साइड पे आपके एसेट्स होते हैं। तो यही बताते हैं कि आपके कितने एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग।
तो यही जो है आपके कंपनी के बिजनेस की पोजीशन बताता है बैलेंस शीट। अगला पॉइंट है असिस्टिंग दी मैनेजमेंट, यानी अगर मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है रिगार्डिंग या फोरकास्टिंग, लिखा हुआ है नीचे कि अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग असिस्ट दी मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट एंड मैनेजमेंट ऑफ टेन रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी अगर आपको, जैसे अगर आपको पता चल गया कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी किस तरीके से जो है ग्रो करेगी या नहीं करेगी, या उसको कैसे करना है, एक तरीके से मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं तो ये कि आप जो है, यानी फाइन अकाउंटिंग जो है एक तरीके से मैनेजमेंट की हेल्प भी करती है, ताकि ये कर सके यानी वो डिसीजन ले सके या फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर में कुछ प्लानिंग कर सके, उसके रिगार्डिंग जो है कंपनी के मैनेजमेंट को हेल्पफुल हो जाती है अकाउंटिंग से। हर भी है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र, यानी जिनको जो है ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल प्रोवाइड करवाना है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एक तरीके से प्रोप्राइटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना, जो लोन देते हैं बैंक वगैरह हो गए, उनको भी ये सारी अगर पोजिशन पता होंगे बिजनेस के कितने हैं, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें लोन भी मिल सकता है, या कोई दे या ना दे वो तो डिपेंड करता है। यानी इन्वेस्टर को जब तक आप ये नहीं बताओगे कि हमारी कंपनी में ये चीज़ें, हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो एक तरीके से ही जो है आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो इंडिविजुअली, ठीक है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ये जो है यानी अगर सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक तौर पे और अगर उसमें से कोई चीज़ गायब हो जाती है, ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि हाँ जी इसमें से चीज़ गायब है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो सीधी सी बात है आपको जो है कोई भी एसेट कितनी भी पड़ी कोई ना कोई लेके चला जाएगा, तो एक तरीके से कह सकते हैं थेफ्ट वगैरह की भी जो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इसे रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, यानी अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो एसेट्स है बिजनेस का वो एक तरीके से प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया है। अब फंक्शन की बात करें, यानी अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं कि इसकी विशेषता क्या है, हम किसी चीज़ की विशेषता क्या होती है, यानी उसके हम देखते हैं कि वो कितनी वैल्यूफुल है या नहीं, उसके बाद हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, तो पहला काम इसका यही होगा, इसकी विशेषता यही है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है ना, डेटा का बहुत बार आपने पढ़ रखा है तो इसे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ये बताता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट बनाता है, जिसमें हम जो है कितना कंपनी को प्रॉफिट है लॉस हो रहा है, तो वो जो है आपको बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है ना। और बैलेंस शीट भी जो है इसी के रिगार्डिंग बनाई जाती है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड द कॉन्सेप्ट एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे मेंटेन सिस्टमेटिकली फॉलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। यानी अगर लीगली आपको हर चीज़ को मेंटेन करके रखना है, ताकि उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़े, या अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, आपको प्रॉपरली जो है प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जो है आपको सारे रूल्स फॉलो करने ही है, तो इसलिए कह रहा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, यानी आपको जो है सारा काम जो एक तरीके से लीगली तौर पे करता है अकाउंटिंग, ये इसकी विशेषता है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, यानी एक तरीके से जो कह रहा है, इट इज़ येट अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स। यस, ये आप कह सकते हैं कि ये डाटा जो है यूजर्स को प्रोवाइड कराता है, जिनके लिए चाहे वो इंडिविजुअल हो, ओनर हो, यानी प्रोपराइटर हो कंपनी के, या आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आउटसाइडर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी इंटरेस्ट लेगा आपके इसमें। और जैसा कि मैंने अभी बात करा था असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी अभी हमने ऊपर बात भी की थी जो उसके ऑब्जेक्टिव में, कि जो एक तरह से मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल भी होता है ये, ताकि वो ये पता कर सके कंपनी को कितना प्रॉफिट हो और कितना लॉस हो रहा है। तो ये कुछ बातें आपके सामने थी जो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझानी भी ज़रूरी थी, और आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट होंगे, थ्योरिकली होगा लेकिन यकीन मानिए वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके हेल्पफुल के लिए, या आगे के ये जो चैप्टर्स हैं उसके रिगार्डिंग है। आगे का चैप्टर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 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 अभी भी, यानी आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 26 करना है, उसके बाद आपका ये जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हमने 19 ख़त्म किया है, देन 20, 21, 22 एंड 25 तक
26 रह जाएगा, यानी हमें 6 क्वेश्चन और रिमेनिंग रह जाएंगे। उसे मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में ही इसे एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए आप जो है इनको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं और आपको हेल्पफुल मिलेंगे। तो आज के लिए इतने ही दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले इससे आगे हम बात करेंगे। थैंक यू।